तो सर्कुलर मोशन चैप्टर में अभी जो है हमने काइनेमेटिक्स वाला पार्ट जो है वो पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने चार इक्वेशन भी डिराइव किए, ठीक। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो रोटेशनल वाले क्वांटिटीज हैं, जैसे हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनको कहीं ना कहीं हमें जो ट्रांसलेशनल वाले क्वांटिटी थे, जो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी जो है पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन तो होता ही है, डिस्प्लेसमेंट उसमें भी होता है, तो कहीं ना कहीं लीनियर और रोटेशनल जो क्वांटिटीज हैं उनको हमें रिलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग वही काम करेंगे। जैसे देखेंगे कि ये सर्किल बनाया गया है और ऐसा मान लेते हैं कि एक जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का कितना जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या यूं कहें कि ये आर्क लेंथ है, इसको मैं लिख देता हूं एस। आर्क लेंथ है एक्स, एस पार्टिकल यहां से चलकर के यहां गया, तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये हो जाएगा थीटा। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एस वाई आर। आर जो है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले कुछ इस तरह से लिख सकते हैं थीटा इंटू आर, है ना। अब इनको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ds by dt इज इक्वल टू d थीटा by dt इंटू आर। तो ds by dt क्या बताएगा, ds by dt जो है एक्चुअल में इधर वाली वेलोसिटी बताएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी बताएगा, तो ये बताएगा वेलोसिटी। और d थीटा by dt जैसे कि हम लोग जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी बताता है और ये रेडियस है, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन आ गया। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इन वेक्टर फॉर्म, तो लिखा जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये होता है, आप चेक कर सकते हैं, ये जो इसके हिसाब से डायरेक्शन है वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। जैसे अगर मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल यहां पर है और जा रहा है इधर, ठीक है, वी वेलोसिटी से, तो मैंने जो डायरेक्शन बताया था ओमेगा का, ओमेगा का डायरेक्शन बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो ओमेगा का डायरेक्शन होना चाहिए आउटवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करता है क्या, है ना। ओमेगा का डायरेक्शन जो है यहां पर ऊपर की तरफ है और ये आर है, है ना, यानी आर का डायरेक्शन मैं दिखाऊंगा तो इधर दिखाऊंगा, ये हो गया आर वेक्टर और ये हो गया ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोगों ने सीखा था राइट हैंड स्क्रू रूल से, अगर उसके हिसाब से देखें ये आर वेक्टर हो गया, ये ओमेगा हो गया, है ना। तो फर्स्ट से ओमेगा फर्स्ट होगा, आर सेकंड होगा, स्क्रू को रखेंगे यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर और फर्स्ट सेकंड की तरफ घुमाएंगे, तो ऐसे घुमाने से स्क्रू जो है वो टाइट होता है। स्क्रू टाइट होने का मतलब है कि इसके अंदर जाएगा, अंदर मतलब कि वी की तरफ जाएगा, है ना। तो ओमेगा क्रॉस आर का जो डायरेक्शन है वो वी की तरफ आ रहा है ना। तो जो हमने डायरेक्शन पहले पढ़ा था उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सही कर रहा है, और इसलिए ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा डीवी बाई डी टी इन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। डीवी बाई डी टी जो है ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो एक्चुअली में वैसा एक्सेलरेशन होगा जो बिल्कुल वेलोसिटी के पैरेलल हो, वेलोसिटी के पैरेलल जो एक्सेलरेशन होता है वही स्पीड को या तो बदलेगा, मतलब बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होता है, क्योंकि वेलोसिटी भी पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होता है, ये एक्सेलरेशन भी पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होता है, तभी जो है वो मैग्नीट्यूड को चेंज कर पाएगा, यानी वेलोसिटी के
मैग्नीट्यूड को चेंज कर पाएगा। ठीक, डी ओमेगा बाई डी टी जो होता है इसको हमने कहा था कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक, तो एक रिलेशन ये आ गया। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इन वेक्टर फॉर्म, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ये रिलेशन हो गया। ठीक, अब यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमें थोड़ा सा समझना होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है। तो कहते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये होता है, इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है एक्चुअली में ये पाथ के टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है। तो जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पर ट्रेवल कर रहा हो तो उसके एक्सेलरेशन के हमेशा ही दो कंपोनेंट होते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन कर्व्ड पाथ, इट्स एक्सेलरेशन हैज टू कॉम्पोनेंट्स, जैसे अगर कहें कि जो पार्टिकल ऐसा कुछ पाथ फॉलो कर रहा है तो देखेंगे कि हर कर्व्ड पाथ जो है वो किसी ना किसी सर्किल का जो है वो छोटा सा आर्क होता है। जैसे इसी को मैं एक ऐसा सर्किल बना सकता हूं कंप्लीट, है ना, कह सकते हैं कि ये जो आर्क है वो इस बड़े से सर्किल का छोटा सा पार्ट है। ठीक, तो चूंकि सर्किल जो होता है सर्किल में भी कोई एक्सेलरेशन, सर्किल भी बना लेते हैं यहां पर, जैसे ये हो गया सर्किल, है ना, तो वैसे हमें ध्यान क्या है कि जब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है। ठीक, तो सेंटर की तरफ तब होता है जब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो घट रही हो तो एक एक्सेलरेशन आएगा जो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, यानी एक कॉम्पोनेंट जो है इधर भी आएगा, तो रिजल्टेंट जो है वो कहीं ऐसे आता है, यानी टोटल एक्सेलरेशन जो है वो ये होगा जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सेंटर की तरफ, इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक होता है पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से चूंकि ये सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, अगर कोई कर्व पाथ है तो वहां भी ऐसे ही होता है, जैसे पार्टिकल के पास दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, है ना, मतलब कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट जो होगा वो पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होगा जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक होता है सेंटर की तरफ जिसको हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, जो टेंजेंट के अलोंग होता है इसका काम होता है स्पीड बदलना, यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, और इसीलिए इसको लिखते हैं डीवी बाई डीटी। जैसा कि यहां भी आप देखेंगे मैंने डीवी बाई डीटी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख रखा है यहां पर। ठीक है, तो इसलिए इसको डीवी बाई डीटी लिखा जा सकता है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो होता है ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग जिस दो कंपोनेंट की बात कर रहे थे उसमें से पहला जो है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको डिनोट करते हैं एटी से, है ना, ये जो है हमेशा पाथ के टेंजेंट के अलोंग लगता है। तो कहेंगे कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट टू पाथ, टेंजेंट टू पाथ विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है
उसको हम लोग स्पीड भी कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको हम लोग लिखते हैं dv/dt। यानी जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालना पड़ेगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अब जो दूसरा कॉम्पोनेंट है उस दूसरे कॉम्पोनेंट को कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना। तो दूसरा है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसको डिनोट किया जाता है AC से। ठीक है, अब ये जो है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ लगता है। अगर कर्ड पाथ पर बात करेंगे तो जो छोटा सा कर्ड आर्क है, ये आर्क जिस सर्किल का पार्ट होगा उस सर्किल के सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो इसका जो डायरेक्शन होता है कहते हैं इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन का मतलब कि ये वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और इसीलिए इसका जो नाम है इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी इसको बोला जाता है। इसका जो काम है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने का होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या करता है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का, ये होता है v²/r। ठीक है, अगर हम लोग कर्व पाथ की बात करें, ऑन कर्व पाथ, तो कर्व पाथ पर हो सकता है कि स्पीड भी चेंज हो रहा हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो रहा हो, तो वहां पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वी इंस्टेंटेनियस हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, है ना, डायरेक्शन का यहां पर कोई काम है नहीं। ठीक है, मतलब यहां भी चाहे तो इंस्टेंटेनियस ले सकते हैं, सर्कुलर मोशन में तो रेडियस फिक्स रहता है, ये इंस्टेंटेनियस लेना होता है। और कर्व पाथ पर जाएंगे तो कर्व पाथ पर क्या होता है कि रेडियस और कर्वेचर भी बदल सकता है, स्पीड बदल सकता है, तो दोनों ही इंस्टेंटेनियस लेने होते हैं। अब हमें ये पता करना होगा कि ये जो वैल्यू आती है AC की इक्वल v²/r, ये कहां से आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्किल बनाते हैं, है ना, मान लेते हैं ये सर्किल है। ठीक, अब एक पार्टिकल है जो कि पहले मान लेते हैं यहां पर था, इसकी वेलोसिटी v1 होगी इधर, फिर बाद में यहां पहुंच गया, अब इसकी जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी v2 इधर। इतने देर में इसने एंगल कितना ट्रेवल किया, थीटा, है ना। तो ये जो v2 वेलोसिटी है इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं इधर, तो देखेंगे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा, यहां वाला एंगल,
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, है ना। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ये वाला एंगल आएगा पाई माइनस थीटा, ठीक। अब देखेंगे कि ये जो है ये वी टू है, ये वी वन है, अगर ये पाई माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए, सीधी लाइन जा रही है, ये टोटल एंगल होना चाहिए पाई, अगर ये पाई माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए, तभी दोनों का सम पाई आएगा, है ना। तो अब जो है अपने पास पता चल गया कि एक इनिशियल वेलोसिटी वी वन और दूसरा फाइनल वेलोसिटी वी टू के बीच का एंगल थीटा होगा, अगर पार्टिकल यहां पर थीटा एंगल ट्रेवल करता है तो। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं इसमें कि पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब यह हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यानी अब जो भी एक्सेलरेशन आएगा तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ही बचेगा, है ना। सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चूंकि जीरो हो गया तो सिर्फ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन रह जाएगा। मैंने क्या कहा कि एक्सेलरेशन के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रिपेटल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये दो कॉम्पोनेंट हैं, इसमें से अगर ये जीरो हो जाए तो सारा एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, यानी टोटल एक्सेलरेशन जो है वो एसी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अब जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता करना है। मैंने जानबूझ करके कांस्टेंट स्पीड लिया ताकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, अब जो भी एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे वो सिर्फ सेंट्रिपेटल आएगा, ठीक है। तो चूंकि स्पीड हमने बराबर कर दिया, इसका मतलब जो वी वन है भले डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड तो वी ही आएगा, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ऐसे करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वी टू माइनस वी वन कैसे निकालेंगे, हम लोग कहते हैं कि वी टू माइनस वी वन का मतलब होता है वी टू प्लस निगेटिव ऑफ वी वन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो माइनस वी वन जो है वो एक्चुअली में पीछे चले जाएगा, ऐसे ये हो गया माइनस वी वन। तो हमें क्या करना है, वी टू में माइनस वी वन को ऐड करना है, यानी अब इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हमें वी टू में माइनस वी वन को ऐड करना है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, अगर ये थीटा है सीधी लाइन जा रही है, टोटल पाई होना चाहिए था तो ये पाई माइनस थीटा हो गया, है ना। तो अब एक इसका मैग्नीट्यूड भी वी है और ये जो वी वन है इसका मैग्नीट्यूड भी वी है, वी वन का भी वी था, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था वेक्टर वाले में, कि अगर वी टू माइनस वी वन का मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे ड्राइव ये किया था कि अगर अपने पास दो वेक्टर है, एक है ए और एक है बी, एक है ए एक है बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो इनका रिजल्टेंट हम लोग निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का रूट, है ना। जो वेक्टर एडिशन सीखा था ट्रायंगल मेथड में, वहां पर रिजल्टेंट की वैल्यू हमने ऐसे निकाली थी। तो यहां भी वैसे ही दो वेक्टर है अपने पास, इसका भी मैग्नीट्यूड वी है, इसका भी मैग्नीट्यूड वी है, दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, यह आएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वहां पर ए और बी दोनों वी के बराबर है, प्लस टू ए इंटू बी, दोनों वी है तो फिर से वी स्क्वायर आ जाएगा, इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है कॉस पाई माइनस थीटा, डिवाइडेड बाई, अब देखेंगे कि टाइम इंटरवल निकालें, यानी यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा होगा, थीटा एंगल ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा, है ना। तो यहां से यहां जाने का जो टाइम है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये आर्क लेंथ जो होगा ना, ये आर्क लेंथ यहां से यहां तक एस, एस की वैल्यू होती है आर इंटू थीटा,
अगर रेडियस इसका आर है, एंगल थीटा है, तो आर की लेंथ हो जाएगा आर इंटू थीटा, यानी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा आर इंटू थीटा, ये हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड विद स्पीड। स्पीड वी कहा कि कॉन्स्टेंट है ना, स्पीड वी कॉन्स्टेंट है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड ये आ जाएगा टाइम। तो इतना टाइम तक ये यहां से यहां आया होगा, यानी इतने देर में वेलोसिटी वी वन से वी टू चेंज हो गई है। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2v² - 2v² ये cos पाई माइनस थीटा जो है, ये माइनस cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, इसलिए माइनस साइन आ गया, ये हो जाएगा cos थीटा का रूट डिवाइडेड बाई r थीटा बाई v, है ना। तो यहां से एक 2v² आएगा, इसको हम लोग इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन मैंने बताया था यहां पर 2v² माइनस, यहां भी 2v² है, cos थीटा का रूट और नीचे है r थीटा बाई वी, इसको मैं दोबारा यहां पर लिखता हूं। ये था 2v² माइनस 2v² cos थीटा डिवाइडेड बाई r थीटा बाई वी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2v² जो है इसको कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो बचेगा क्या, 1 माइनस cos थीटा ये आएगा, और नीचे रह जाएगा r थीटा बाई वी। तो अब देखेंगे कि 2v² 1 माइनस cos थीटा जो होता है उसको मैं लिख सकता हूं 2sin² θ/2, ऐसा इसलिए कि cos 2 थीटा जो होता है ये होता है 1 माइनस 2sin² θ। cos 2 थीटा इतना होता है, तो cos थीटा की जो वैल्यू है 1 माइनस 2sin² θ/2 उसमें रखेंगे तो ये वाला रिलेशन आएगा डिवाइडेड बाई r θ/v। तो देखेंगे कि जब रूट यहां पर लगा हुआ है तो जैसे 2 दो बार आया है तो रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, फिर वी स्क्वायर है रूट है तो एक वी रह जाएगा, फिर sin² θ/2 है तो रूट जो है उसको हटाएंगे तो sin θ/2 रह जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई r θ/v, ये हो गया। अब जो है चूंकि हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, ये जो हमने डायग्राम बनाया था इसमें हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना था, तो करेंगे क्या, इसमें थीटा जो है बहुत ही स्मॉल लेना पड़ेगा तभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा, यानी टाइम इंटरवल भी बहुत स्मॉल लेंगे तो थीटा भी बहुत स्मॉल होगा। तो कह सकते हैं फॉर स्मॉल थीटा sin θ/2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू θ/2। तो ये रखेंगे तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2v sin θ/2 को θ/2 लिख सकते हैं, और ये हो गया r θ/v, है ना। तो यहां से देख सकते हैं कि एक थीटा ये और एक थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये v ऊपर जाएगा तो हो जाएगा v² और नीचे r रह जाएगा। तो इस तरह से सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो v² / r आ गया। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखेंगे कि v2 इधर है, माइनस v1 इधर है, तो v2 और माइनस v1 का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए ऐसे। तो यहां पर देखेंगे v2 इधर था, v1 इधर था, है ना, इसका जो डायरेक्शन है यानी चेंज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कहीं ऐसे आ रहा है सेंटर की तरफ, और इसीलिए कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होता है, क्योंकि यहां पर ये जो चेंज इन वेलोसिटी है v2 - v1 उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रहा है, और इसीलिए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ आता है। ठीक, अब यहां पर एक रिजल्ट जो है वो हमने फाइंड किया, उस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे। हमने क्या फाइंड किया कि अगर v2 और v1 दो वेक्टर है, या यहां पर समझें कि v2 ये है और ये v1 है ना,
अगर इनका चेंज निकालना हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो कितना आएगा? ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया है कि जैसे यहां पर एक हो गया V1, ये हो गया V2, ये बीच का एंगल थीटा है, तो V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो V2 माइनस V1 आप देखेंगे फॉर्मूले में कहां था, ऊपर रखा था हमने, है ना, और नीचे डेल्टा टी की वैल्यू R थीटा बाय V था। ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो V2 माइनस V1 की वैल्यू है, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू यहां पर देखते हैं कितना आया है। ये तो टाइम हो गया R थीटा बाय V, V2 माइनस V1 की वैल्यू ये आई है, तो ये आ जाएगा। अगर मतलब कि इसका भी मैग्नीट्यूड V ले लिया हमने, इसका भी V ले लिया, तो V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड जो है वो आता है 2V साइन थीटा बाय 2। इस रिजल्ट को याद रखना है क्योंकि सर्कुलर मोशन में आगे कई बार हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ेगी। जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये वाला रिजल्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये कहां से आया था? जैसे ये सर्कुलर मोशन हो, है ना, तो सर्कुलर मोशन में एक वेलोसिटी जो V1 था कहीं इधर था, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, यहां से पार्टिकल जो है थीटा एंगल जो है ट्रेवल करा था, तो यहां पर V1 और ये V2 के बीच का एंगल ये भी थीटा आया था। इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया मैंने, इसको शिफ्ट कर दिया यहां पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब कोई पार्टिकल थीटा एंगल ट्रेवल करता है, यहां पर थीटा क्या है, एंगल ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल, और वी क्या है, उसका कॉन्स्टेंट वाला स्पीड, तो थीटा एंगल ट्रेवल करेगा तो उसका चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आता है, है ना, ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स एंगल थीटा विथ कॉन्स्टेंट स्पीड वी, है ना, तो वी क्या है, वो कॉन्स्टेंट स्पीड है, और थीटा क्या है, थीटा उसने एंगल ट्रेवल किया है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो हमने क्या देखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो dV/dt से निकालते हैं, और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो आ गया V² / R, ठीक है। अब जो है हमें टोटल एक्सेलरेशन निकालना होगा, टोटल एक्सेलरेशन जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा हो पार्टिकल, तो मैंने बताया कि उसका जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो जरूरी नहीं कि सेंटर की तरफ ही हो, सेंटर की तरफ तब होगा जब स्पीड कॉन्स्टेंट होगा, अगर स्पीड वैरी कर रहा होगा तो टेंजेंट के अलोंग भी एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा, at इधर आ गया, ac इधर आ गया, और टोटल एक्सेलरेशन जो है वो ये है बीच में कहीं, मतलब सेंटर की तरफ नहीं है। तो हम लोग ये बात करेंगे इस टोटल एक्सेलरेशन की, टोटल एक्सेलरेशन इसको a से डिनोट करते हैं, इट इज रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप देख सकते हैं, सपोज मान लेता हूं कि ये एंगल अल्फा है, तो क्योंकि एसी और एटी का ये रिजल्टेंट है तो मैं एक वेक्टर ट्रायंगल बना सकता हूं, मान लेते हैं कि ये हो गया एसी, ये हो गया एटी, दोनों कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हो गया एटी, और फ्री टेल टू फ्री हेड ज्वाइन कर देंगे, ये होगा टोटल एक्सेलरेशन, ये वाला एंगल जो है अल्फा हमने लिया है एसी और टोटल एक्सेलरेशन के बीच में। तो टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस वेक्टर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का रूट, एसी का मैग्नीट्यूड होता है V² / R, तो इसका होल स्क्वायर प्लस
डीवी बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब हमें इस अल्फा एंगल की जरूरत पड़ सकती है कि मतलब रेडियल से कितने एंगल पर टोटल एक्सेलरेशन आएगा। तो इस टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, ये आएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सेंट्रिपेटल कंपोनेंट। तो टेंजेंशियल जो है इसको हम लोग लिखते हैं डीवी बाई डी टी और इसको लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और यहां से टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि वैसे तो ये दो कंपोनेंट जो मैंने बताया सर्कुलर मोशन बताया, लेकिन कर्व पाथ पर भी यही दो कंपोनेंट जो है वो होते हैं। तो अभी तक हमने लीनियर क्वांटिटीज और रोटेशनल क्वांटिटीज में कुल मिलाकर के दो रिलेशन निकाले हैं। एक रिलेशन जो हमने निकाला है वो रिलेशन निकाला है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, जिसको कि हम लोग वेक्टर फॉर्म में कह सकते हैं वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक, उसी तरह से एक रिलेशन निकाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक और तीसरा रिलेशन होता है जो कि एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को रिलेट करता है, वो होता है ए सी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। आप डायरेक्शन इनका वेरीफाई कर सकते हैं, ये तो सेंटर की तरफ होता है, ओमेगा होता है प्लेन के परपेंडिकुलर और वी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ए सी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो गया ओमेगा को मैं लिख सकता हूं वी बाई आर, है ना, क्योंकि यहां से ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर लिखा जा सकता है इंटू वी। ठीक, तो ये हो जाता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, मतलब वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीन जो इक्वेशन है, तीन जो रिलेशन है लीनियर और रोटेशनल क्वांटिटी के बीच में, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद कुछ जो है स्टैंडर्ड डिफिनीशन होते हैं, वो डिफिनीशन हम लोग सीखेंगे। जैसे कोई पार्टिकल जो है हो सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा हो। ठीक है, तो उसका ओमेगा जो है ये भी कांस्टेंट होगा, है ना, और इसका जो वेलोसिटी होगा यानी स्पीड जो होगा ये कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी तो खैर कांस्टेंट नहीं रह सकता सर्कुलर मोशन में, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। तो स्पीड कांस्टेंट रह सकता है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह सकता है। ठीक, तो इसमें जो है इसमें हम लोग कुछ क्वांटिटी पढ़ रहे थे, जैसा कि एक क्वांटिटी होता है इसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है और इसको डिफाइन करते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लेता है पार्टिकल उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। है ना, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। उसी तरह से एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको एन से डिनोट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन वन सेकेंड। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा इसको हम लोग कह सकते हैं वन बाई टी के इक्वल। अगर टी टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ना, तो एक सेकेंड में वन बाई टी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको दो तरीके से लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है रिवॉल्यूशन
पर सेकेंड रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कई बार रिवोल्यूशन पर मिनट भी दिया था, आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। जब भी रिवोल्यूशन पर मिनट दिया गया हो तो इसको हमें रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहिए, तभी फ्रीक्वेंसी में उसको बदला जाएगा, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमेशा पर सेकेंड होता है, ठीक। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये जो है x रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो जो है n की जो वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा 60 इंटू एक्स, ये हो जाएगा RPS, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है RPS, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर बाय चांस क्वेश्चन में RPM दिया हो, रिवोल्यूशन पर मिनट में दिया हो ना, तो रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ हो तो पर सेकेंड कितना आएगा, ये मैंने गलत लिखा है, x बाय 60, ये हो जाएगा RPS, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और ये फिर फ्रीक्वेंसी बताएगा। x क्या था, RPM, तो RPS बदलना हो तो 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी बताएगा। n फ्रीक्वेंसी है, n फ्रीक्वेंसी है, और x जो है एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। बाय डेफिनेशन जो है फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड, तो पर मिनट दिया हो तो उसको पर सेकेंड में हमें हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट हमेशा इस तरीके से करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ गया। उसके बाद जो है इसी से एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट किया जा सकता है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड भी आप कह सकते हैं इसको, ओमेगा। तो इसका डिफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, मैं इसका वैल्यू बताता हूं। आप देखेंगे कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लेता है, कैपिटल टी, और एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना ट्रेवल करता है, 2π। तो ओमेगा का वैसे तो डिफिनेशन होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां पर आएगा 2π एक टाइम पीरियड में, है ना। तो इसलिए जो ओमेगा है, कह सकते हैं कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको मैं लिख सकता हूं 2π/T, और 1/T को चूंकि एन लिख सकते हैं तो इसको 2π/N भी लिख सकते हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दिया हो तो उससे भी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड जो है वो फाइंड किया जा सकता है। तो अभी जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो डिफिनेशन हमने सीखा, उस पर बेस्ड हम लोग एक दो एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल है जिसमें कि एक वॉल क्लॉक दिया गया है। कहा गया है कि वॉल क्लॉक का जो सेकेंड हैंड है उसका लेंथ 0.5 मीटर है। लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक की 0.5 मीटर, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टिप, टिप का मतलब ये जो पॉइंट है इसका, ऑफ सेकेंड हैंड इन इंटरवल ऑफ 15 सेकेंड। तो पहला काम तो ये करना है कि इसका जो लेंथ है ये हमें दिया गया है 0.5 मीटर, ठीक। हमें पता है कि जो सेकेंड हैंड है वो 60 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी उसका जो टाइम पीरियड है वो हो गया 60 सेकेंड। अगर टाइम पीरियड 60 सेकेंड है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा या एंगुलर स्पीड कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, जो अभी हमने वहां पर समझाया था। तो 2π/T की वैल्यू 60 रखेंगे तो ये हो गया π/30 रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ठीक। अगर एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता है, ये जो सेकेंड हैंड है वो इस छोटे से सर्किल में घूम रहा होगा, यहां पर ये क्लॉक है और सेकेंड हैंड जो है ये थोड़ा छोटा होता है, इस सर्किल में घूमेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है वी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। तो वी को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर, ओमेगा की जो वैल्यू है वो आई है π/30, और आर इसका ये लेंथ हो गया, क्योंकि जिस सर्किल में घूम रहा है उसका रेडियस इसके लेंथ के इक्वल होगा, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा π/30
60 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये हो गया वेलोसिटी। अब हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यहां था, तो 15 सेकेंड बाद, क्योंकि टोटल 60 सेकेंड लेता है, तो 15 सेकेंड में वो यहां पर आ गया होगा, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। इसको मान लेते हैं वी वन है, ये वी टू है, दोनों का मैग्नीट्यूड वी होगा, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, 2V sin θ/2। तो 2 यहां पर जो v है, v की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है π/60 sin, ये एंगल कितना ट्रेवल किया वो है थीटा, तो एंगल आया है π/2, ये π/4 हो जाएगा क्योंकि θ/2 लिखा है, तो π/4, तो ये हो जाएगा π/30 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो π/30√2 मीटर पर सेकेंड से इतना से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा हूं, इसमें हमें एक चीज, खास चीज सीखने को मिलेगा कि सर्कुलर मोशन में कब कब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। चार काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमने पढ़े थे, v = u + at, s = ut + ½ at² v² = u² + 2as या sn = u + a/2 2n-1, चार काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़े थे। वो चार काइनेमेटिक्स के इक्वेशन भी हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर्कमफेरेंस के अलोंग यूज करना होता है ना। कह सकते हैं यहां पर इक्वेशन ऑफ 4 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, मतलब v = u + at, या यू कहें कि s = ut + ½ at² या v² = u² + 2as या sn = u + a/2 2n-1, ये चारों इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। लेकिन कब यूज करेंगे? कैन बी यूज्ड अलोंग सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस विथ acceleration = tangential acceleration, मतलब इसमें जहां भी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रखेंगे। मतलब यहां भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रखेंगे, यहां भी टेंजेंशियल, ये भी टेंजेंशियल और ये भी टेंजेंशियल। टेंजेंशियल जो है वो एक्सेलरेशन लेकर के जो है हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। मतलब कि वेलोसिटी तो पहले से टेंजेंशियल होती है, ये डिस्टेंस लेना हो तो आर्क लेंथ लेंगे सर्कमफेरेंस के लॉन्ग, टाइम तो वैसे ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों इक्वेशन सर्कमफेरेंस के अलोंग यूज किया जा सकता है, ये खास बात है। और बाकी ओमेगा अल्फा जो है वो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए भी चार इक्वेशन अपने पास है ना, वो चार इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें थीटा ओमेगा अल्फा ये लेना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे कि एक सर्किल बनाया गया है जिसका रेडियस है 2 मीटर, एक पार्टिकल t = 0 पर चलना स्टार्ट करता है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। कहा गया पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट ऑफ 4 m/s². 4 m/s² के रेट से उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। स्पीड इंक्रीज करता है कौन सा कंपोनेंट? टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड को चेंज करता है या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन दिया गया है ये एक्चुअली में हमारे लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक। फिर पूछा गया, कई सारे क्वांटिटी पूछे गए है ना, तो ये सारे क्वांटिटी जो है फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रांसलेशनल वाले काइनेमेटिक्स इक्वेशन और रोटेशनल वाले काइनेमेटिक्स इक्वेशन
दोनों में से या दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग यहां पर अभी आगे सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। जैसा कि आपने देखा यहां पर कि क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया गया है। इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें से जो फिफ्थ वाला पार्ट है इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जैसा कि यहां बताया गया है कि ये कांस्टेंट रेट से इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है तो टाइम पर डिपेंडेंट तो होगा नहीं, तो किसी भी टाइम पर पूछा जाए तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि यहां पर दिया गया है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया गया है तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है, तो यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई आर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये है 4 और रेडियस दिया गया है 2 मीटर। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया। ठीक, इसके बाद पूछा गया है यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन पूछा गया लीनियर स्पीड v एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 4 काइनेमेटिक्स के इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, तो मैं ये वाला इक्वेशन जो है वहां पर यूज करना चाहूंगा। यहां पर मैं यूज करूंगा v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। मैंने बताया कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूज करना है, तो u जो है वो तो 0 दिया हुआ क्वेश्चन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है यहां पर 4 दिया हुआ है और जो टाइम है यहां पर देख सकते हैं 1 सेकेंड बाद पूछा गया है, यानी कि जो वेलोसिटी है ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी इतनी होगी, मतलब हो सकता है 1 सेकेंड बाद ये जो पार्टिकल है यहां से घूम करके यहां कहीं आ गया हो, तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहां पर इसकी वेलोसिटी थी 0, है ना। उसके बाद जो सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड निकालना हो तो मैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकता हूं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो चूंकि यू 0 है तो यहां पर ओमेगा भी तो 0 आएगा, यू बाई आर लिख सकते हैं, जैसे वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो u 0 है यहां पर तो ओमेगा नॉट भी 0 होगा, तो ये ओमेगा नॉट तो हो गया 0। ठीक, अल्फा की वैल्यू हमने यहां फाइंड करा है, ये आया है 2, अल्फा की जो वैल्यू है ये आया है 2 और टाइम दिया गया 1 सेकेंड, तो यहां से आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया। एक और तरीका है, क्योंकि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी हमें पता है तो मैं डायरेक्ट यहां पर यूज कर सकता हूं, यहां पर ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी की वैल्यू हमने यहां फाइंड करा है 4 और रेडियस दिया गया है 2, यानी कि 2 रेडियन पर सेकेंड। देखेंगे जो आंसर यहां से आया वही आंसर यहां से आया, है ना। तो यहां पर हमने सर्कुलर काइनेमेटिक्स को यूज किया और यहां पर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर जो रोटेशनल क्वांटिटी है उसको यूज कर लिया। अब पूछा गया है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है इसको हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर, चूंकि वी बदल रहा है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बदल रहा होगा, है ना। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर v की वैल्यू हमने पहले फाइंड करी है, वो आया है 4 मीटर पर सेकेंड, तो मैं v की वैल्यू यहां पर 4 रख दूंगा, रेडियस जो है 2 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसके बाद आप देखेंगे ये जो 6th क्वेश्चन है इसमें पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल इन द इंटरवल ऑफ 0 टू 2 सेकेंड। डिस्टेंस निकालना हो
तो मैं एक तो ये वाला इक्वेशन यूज कर सकता हूं, इस इक्वेशन को सर्कमफेरेंस कहलाऊंगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें एक सेकंड में या दो सेकंड में पूछा है तो हो सकता है और आगे जाएगा ये, तो जो भी डिस्टेंस होगा ये वाला सर्कमफेरेंस कहलाऊंगा, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि ये इक्वेशन हम लोग सर्कमफेरेंस कहलाऊंगा यूज कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस बताएगा यू जो है वो जीरो है ना, यू टी प्लस हाफ। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पर एक्सेलरेशन के जगह पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेना है, तो u जो है वो जीरो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हाफ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आया था 4 यहां पर देखेंगे, और टाइम पूछा गया है 0 से 2 सेकंड के बीच में, तो मैं टाइम इंटरवल लूंगा 2 सेकंड का, तो देखेंगे कि ये आ गया 8 मीटर, यानी जो है 2 सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा। फिर पूछा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 सेकंड, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सर्कुलर काइनेमेटिक्स को यूज कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट जीरो है क्योंकि इनिशियली यू जो था वो जीरो था, तो हाफ अल्फा की जो वैल्यू है यहां देखेंगे अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड किया है 2 आया था, और टाइम जो है यहां पर 0 से 2 सेकंड का इंटरवल दिया हुआ है, तो यहां रख देंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 रेडियन। ठीक, ये हमने यूज किया सर्कुलर काइनेमेटिक्स को। एक और तरीका है इस थीटा को निकालने का, थीटा को हम लोग एस बाय आर भी निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ हमने यानी डिस्टेंस ट्रेवल निकाला है यहां पर, ये आया है 8 मीटर और रेडियस जो है ये है 2, तो यहां से भी देखेंगे 4 रेडियन आएगा। तो जब जैसा जरूरत हो आप लीनियर वाला इक्वेशन, लीनियर काइनेमेटिक्स का इक्वेशन या सर्कुलर काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, है ना। बस ध्यान ये रखना है कि लीनियर काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करते टाइम में एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेना है, और ये सारे क्वांटिटी वी हो एस हो यू हो ये सारे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेना, सर्कमफेरेंस के अलोंग लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में एक सर्कुलर पाथ दिया गया है जिसका रेडियस है 2 मीटर और एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी दिया गया है वी इज इक्वल टू 4t, मतलब टी जो है वो टाइम है, तो टाइम के साथ में इस तरह से वेलोसिटी वेरी कर रहा है। हमसे पूछा गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमें डीवी बाई डीटी यूज करना चाहिए, है ना। जिस रेट से स्पीड चेंज होता है उसी को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखेंगे कि जो वी है वो 4t दिया हुआ है, तो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद निकालना है सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर, अब वी जो है वो वेरिएबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4t का होल स्क्वायर और रेडियस दिया गया है 2, है ना, तो ये हो जाएगा 8t स्क्वायर। अब टी की जो वैल्यू है वो दिया गया है 2 सेकेंड पर। ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये हमेशा कॉन्स्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो 2 सेकंड पर पूछा जाए 1 सेकंड पर पूछा जाए, है ना, हमेशा ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा, तो 8 और टाइम जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ है, तो यहां पर मैं 2 रख दूंगा, तो ये आ गया 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो गया। और इसके बाद आता है टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे निकालते हैं, एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का रूट। तो 2 सेकंड पर टोटल एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो 2 सेकंड पर तो हमने दोनों निकाल लिया, यहां पर एसी की वैल्यू भी निकाल ली और एटी की वैल्यू भी निकाल ली, तो एक्चुअली मैं चूंकि एसी वेरी कर रहा है तो ए भी वेरी कर रहा होगा, है ना, मतलब कि टाइम के साथ में ये वेरी कर रहा होगा भले टेंजेंशियल कॉन्स्टेंट हो। टेंजेंशियल का वैल्यू आया था
4, है ना। तो यहां से जो वैल्यू है टोटल एक्सेलरेशन का आप फाइंड कर सकते हैं।